सावन का महीना भगवान भोले शंकर को मनाने का महीना होता है। बताया जाता है कि भगवान भोले शंकर इस महीने में अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज आजाद नगर गली नंबर 3 में महाशिव डाक कावड़ सेवा के सैकड़ों युवकों ने भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज का स्वागत किया और उनके द्वारा हवन पूजन करवाकर भगवान भोले शंकर के जयकार के नारे लगाए। डाक कावड़ ले जाने वाले युवकों ने बताया कि राजनगर से काफ़ी संख्या में युवक डाक कावड़ लेकर जाते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। इस अवसर पर वार्ड पार्षद प्रमोद देवी के पति जसमेर शर्मा, पार्षद अतर सिंह रावल, पूर्व पार्षद मंगत राम, किशनपुरा मंडल अध्यक्ष गौरव, विनोद, अंकित, मोहित, बलविंदर शर्मा, कृष्णपुरा मंडल उपाध्यक्ष मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हमारे 35 सदस्य है और हम सबका अत्यंत से धन्यवाद करते हैं। ये अवन किया गया है और ये पानीपत में किया गया है। जिसे डाक कावड़ है, जिसे डाक कावड़ है और हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष प्रमोद विज और पार्षद चश्मे शर्मा आए हुए हैं। यहाँ का युवा हर साल शिवरात्रि के उपलक्ष्य में डाक कावड़ लेके आता है हरिद्वार से। यहाँ का जितना युवा आस्तिक युवा है, धार्मिक युवा है, कोई नास्तिक नहीं, कोई विचार नहीं, और चढ़ की कला इनकी रहे। हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं, उसी उपलक्ष्य में हर साल कावड़ लेके आते हैं। धन्यवाद। अवन तो जो उसकी यात्रा करने के लिए अवन से शुरुआत हर साल इसी सत्रह सुभाष चंद्र शर्मा राजनगर पानी। आज का जो कार्यक्रम है श्रीनगर में गली नंबर 3 के अंदर मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बलविंदर उनके साथियों ने यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया है और यात्रा इसमें आस्था लगी है। आज यहाँ पे शिव भक्त सैकड़ों की संख्या में यहाँ से थोड़ी देर में हरिद्वार के लिए निकलेंगे और 30 तारीख को ये वापस जल लेकर यहाँ पे आएंगे। और ये मैं ये कहता हूँ कि प्रभु इन सब पर कृपा रखें, समाज पर कृपा रखें। जो आस्था हमारी प्रभु में है, शिव जी की आस्था है, उसके निमित्त ये लोग जा रहे हैं और आके ये जब जल चढ़ाएंगे तो उसमें मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ समाज का कल्याण हो, लोगों की आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे। यही कह के इनको यहाँ से अभी बधाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।